हेलो फ्रेंड, मैं हूं आसिफ रिजवी। वेलकम करता हूं आपको पेट लवर मोहम्मद आसिफ चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो काफ़ी टाइम से मैंने अभी तक नहीं दिखाई है। सोचा आज हॉलीडे भी था दशहरा का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई जाए कि मेरे बर्ड्स ने एग वगैरह या चिक्स वगैरह कुछ निकले या निकले। पिछली बार तो देखा था माशाल्लाह से 2 या 3 चिक्स निकल आए थे। अब मैं देखता हूँ कि और मटकियों में चिक्स हैं या नहीं हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वाली, इस वाली मटकी से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक चिक्स है, काफ़ी उसके फैदर वगैरह भी आ गए हैं और फीमेल साथ में बैठी हुई है उसके। माशाल्लाह से अभी एक ही, इस बार इसने एक ही चिक्स निकाला है। चलिए मैं नेक्स्ट मटकी में देखता हूँ, इसमें अभी कुछ नहीं है, पेयर बैठा है लेकिन अभी इसने कुछ किया नहीं है। इसमें माशाल्लाह से 2 चिक्स निकल आए हैं, इसमें से 3 एग्स हैं, एक एग्स ख़राब हो चुका है, 2 फर्टाइल लग रहे हैं, शायद एक बेबी भी मर चुका है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे 6 अंडे थे, इसमें से एक बेबी एक्सपायर हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी चौथी मटकी। माशाल्लाह से इसमें 3 एग, 3 चिक्स हैं, जो कि चिक्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, फैदर वगैरह भी इनके आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ हद तक हमारी इस बार की ब्रीडिंग प्रोग्रेस सही है, कुछ में एक मटकी में अभी एग्स नहीं आए हैं, 2 में, 3 में बच्चे आ चुके हैं, काफ़ी एक तो बच्चा एक्सपायर हो चुका है, पता नहीं किस रीज़न से हुआ है, इतना तो मुझे नहीं पता है, लाल हो चुका है। अब मैं कुछ, शायद फीमेल फीड नहीं करा रही है, इस वजह से हो सकता है कि इसका बेबी एक्सपायर हुआ हो। लाल अब देखिए, आप फीमेल अपने बच्चों के ऊपर बैठ चुकी है आगे। और इसमें अभी इसने कुछ एग वगैरह नहीं दिए हैं, मटकी में बैठना इसने स्टार्ट किया है अंदर। इंशाल्लाह इसमें भी बहुत जल्दी एग आ जाएंगे। और इसका तो बेबी निकल ही आया है, बड़ा ही हो गया इसका, कुछ दिनों में ये बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बर्ड्स सब हैप्पी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था।